हेलो यूट्यूब, तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है, सॉरी हेलो यूट्यूब, ये मेरा थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग एक देख सकते हैं ये क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक होते जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसका, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि ये लास्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब कि ये ऊपर से नीचे की ओर जब शिफ्ट होता है मोमेंटम, तो हम लोग इसको बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लो, हायर लो ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर, न्यू हायर हाई फॉर्म हुआ, नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर से बी ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें ये जो मैंने ब्लू जोन ड्रॉ किया है, तो इसमें क्या है, ये क्या है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो ब्लू जोन में जाने के बाद हम इसको बाय करेंगे, ठीक है, और ये टेक प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे ऊपर की तरफ। तो यह क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे क्या हुआ, अगेन मार्केट नीचे आया, स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे आया, बाय किया, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक पे बाय किया, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, ये हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन यहाँ पे बाय किया, सॉरी यहाँ पे हमने बाय किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे बाय किया, नीचे आया, क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो सप्लाई डिमांड फ्लिप होता है, मतलब कि अभी मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो हम लोग जो बाय करने वाले थे अब उन्हें स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ऊपर से सेल करेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जो लो है वो हमारा टेक प्रॉफिट। अगेन क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट आया ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट सप्लाई डिमांड जोन पे आता ही नहीं, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वाले जब इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हम लोग इसको नीचे ट्रेड करेंगे ऐसे। तो अभी चलते देखते कि इसको ड्रॉ कैसे करना है, होता क्या है ये सब। ये मैंने बहुत पहले ड्रॉ करके रखा था, तो इसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे मेरी हैंड राइटिंग है, ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल है उसने क्या किया, यहाँ पे रेड कैंडल को इंगल्फ किया है, मतलब कि ये पूरा खा चुके है इस कैंडल को। और फिर क्या हुआ, जब मार्केट नीचे आता है स्लोली, तब ये ऑर्डर ब्लॉक को हिट करके ऊपर की तरफ जाता है, और ये नीचे हमारा स्टॉप लॉस। तो ये रेड कलर के क्या है, ये लास्ट कैंडल है, मतलब लोअर लो, सॉरी हायर लो की जो लास्ट कैंडल है वो हमारी ये रेड कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या, ये जोन में क्या ढूंढना है, रेड कैंडल जिसने ग्रीन कैंडल ने इसको इंगल्फ कर चुकी है। तो ऊपर गया ये, स्लोली स्लोली नीचे आया, हमने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लिया, उसके नीचे स्टॉप लॉस आ गया, और फिर मार्केट फिर से ऊपर तरफ। तो ये अपसाइड के लिए ऐसा है, डाउन साइड के लिए क्या है, ग्रीन कैंडल है जिसने ग्रीन कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल उसको रेड कलर ने इंगल्फ कर चुकी है ऐसे। तो ये हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो ये तो हमारे, ये तो आपको पता चल गया कि रेड कैंडल को बाय करना है ये सब। तो इसमें दो तरह की एंट्रीज होती है, मतलब कि अगर हम इसको डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं यहां से, तो ये हुआ रिस्क एंट्री। पर अगर हम लोग इसको ये जोन के आने के बाद यहाँ पे एक मिनट या दो मिनट पे हम लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं चेंज ऑफ करेक्टर ढूंढ के, मतलब कि अगर ये जोन है, हमने इसको अगर जूम किया, तो ये जो हमारा जोन है, हम इसको अगर डायरेक्टली एंटर ले रहे, तो ये हुआ हमारा रिस्क एंट्री। पर अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर, अगर हमने यहाँ पे ये जोन के आने, ये जैसे यहाँ पे जोन को टच होने के बाद अगर चेंज ऑफ करेक्टर दिया COCH, तो हम लोग अगर इसको, तो ये, तो ये हमारे लिए क्या है, जो लो था वो ब्रेक हो, न्यू हायर आई फॉर्म हुआ, ठीक है। ये तो बड़ा स्ट्रक्चर है, बट ये छोटा स्ट्रक्चर है, तो हम लोग इसको, इसमें भी एक और एक और ब्लॉक ढूंढ लेंगे। तो हमारा रिस्टोर क्या हुआ, 1.987, सॉरी सॉरी 9.87, ठीक है। पर हम लोग इसको
ऐसे टिड करे डायरेक्टली, तो ये कितना हुआ 2.48। तो इसमें कन्फर्मेशन एंट्री के दो बेनिफिट क्या है, एक तो ये डायरेक्ट नीचे आता है तो हमें लॉस नहीं होगा, और हमको एक कन्फर्मेशन मिल गया कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक होके नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो और एक हमारा रिस्क और बहुत बढ़ जाता है, मतलब कि 10 गुना बढ़ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसलिए हम लोग रिस्क एंट्री करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और हमको पता है कि अगर ये हायर हाई और ये हायर लो है तो इसमें हमको नीचे भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ के इसको फिर से नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ, तो ऐसे हमको ट्राई करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी ये डेली पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, 4 आवर पे जाते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओरिजिन वाला ऑर्डर ब्लॉक जिसके अभी देख सकते हैं, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर ब्रेक करने वाला ब्लॉक, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ अभी ठीक से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आया मार्केट ने क्या किया पॉज किया, फिर ऊपर गया और फिर स्ट्रक्चर ब्रेक दिया। तो अभी कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ से नीचे आएगा कि यहाँ से नीचे आएगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ से नीचे आता है, और ये जो ऊपर वाला है तो ये क्या बन रहा है अभी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अभी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, पर यहाँ से ही नीचे है। तो अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, मतलब कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है, तो ये क्या है कुछ भी नहीं है, पर ये क्या लो है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको देख, इसमें हम लोग लास्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर क्या है ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ, तो जो इसके ऊपर ऑटो ब्लॉक है जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया उसको भी हम लोग फर्स्ट, तो ये हमारी सेकेंड एंट्री है, मतलब कि हम सेकेंड एंट्री मॉडल बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर ब्रेक करने वाला ऑटो ब्लॉक बोल सकते हो। और ये क्या ओरिजिन ऑटो ब्लॉक, मतलब कि यहाँ से मार्केट एक्चुअल में फॉल होना चालू हुआ, तो कि यहाँ से मार्केट एक्चुअल में फॉल होना चालू हुआ, तो ये दो एंट्रीज है, ठीक है। तो कभी कभी ये जो एंट्री है ये कभी भी हिट हो सकती है, मतलब कि 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी हो सकती है। तो ये ओरिजिन वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्या है मार्केट स्ट्रक्चर जिसने ब्रेक किया वो ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी हम लोग देखते कि कभी कभी क्या होता है ये डायरेक्टली ऊपर जाके ये ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके नीचे आ सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको टाइप 1 टाइप 2, तो ये क्या है टाइप 1, ये टाइप 1 एंट्री, ये टाइप 2 एंट्री, ठीक है। और ये बीच में ये लिक्विड कैप्चर हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि टाइप 1 टाइप 2 क्या होता है। अभी देखो ये हायर हाई सॉरी लोअर हाई लोअर लो, इसके अंदर जो भी आएगा वो सब कंसोलिडेशन है। तो अभी देखते यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ये जो लो है ये भी लो है, इसको किसने ब्रेक किया ये वाले जोन ने, तो ये क्या है टाइप 2, क्योंकि ओरिजिन तो ऊपर है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये तो 4 आवर पे हम लोग इसको डायरेक्टली ट्रेड तो नहीं करते, मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करते हैं, पर लोअर टाइम फ्रेम हम लोग, मैं बताता हूँ लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड कैसे करना है, सॉरी मैं बताया मैंने, अभी हम लोग ये देखते कि यहाँ से स्टॉप लॉस हमारे हिट हुआ, पर अभी ओरिजिन से ऑर्डर ब्लॉक एंटर किया, इसको रिफाइन करने के बाद ये बन जाएगा। अभी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों, इसने क्या किया यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक दिया ऊपर की तरफ, ठीक है,
और नीचे लो ब्रेक किया, तो ये हमारा यहाँ पे लो ब्रेक हुआ। और हम लोग लेफ्ट साइड से यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो ग्रीन कैंडल कहाँ से आ रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे बीच में रुकी नहीं, वो डायरेक्टली, इसका इंटेंशन ये था कि ये स्ट्रक्चर के ऊपर जो लिक्विडिटी है उसको ब्रेक करना, मतलब कि यहाँ पे रेड कैंडल आई, उसके बाद सीधे दो कैंडल आए, मतलब कि इसका इंटेंशन ये था कि ऊपर जाके नीचे गिरना है। तो हमारा ये फर्स्ट हम इसको ड्रॉ किया हमने, अगेन यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो इसके अंदर ये जोन के अंदर ये जोन है, ठीक है, इसलिए तो दोनों को हम लोग ध्यान में रखते हुए हमने ये जोन ड्रॉ किया। पर ये पूरा जोन भी ड्रॉ किया तो भी ठीक है, ये किया तो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 1:13 ट्रेड बन गई। तो अभी हम लोग इसको अभी और ऑटो ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये ऊपर जा रहा था, हायर हाइज क्रिएट करते जा रहा था, हायर हाई, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ। तो इसका जो ओरिजिन वाला वाला ये ऊपर है, पर जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया इसका, ये वाला ये है, ठीक है। तो ये कहाँ से गिरा, स्ट्रक्चर जहाँ से ब्रेक हुआ, मतलब टाइप 2 यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। हमने तो इसको टेक परफेक्ट, और ये जो ओरिजिन वाला ये कभी भी जाके आगे फ्यूचर में आके हिट हो सकता है, ये ओरिजिन वाला ऑटो ब्लॉक है, और इसने ये वाला ऑटो ब्लॉक जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो अगर हम लोग हर टाइम इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे तो हमारे जो 90-80% ऑफ द मूव सब ऐसे ही चले जाएंगे, इसलिए हम लोग ओरिजिन वाला ऑटो ब्लॉक ज़्यादा यूज़ करते, ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब कि अगर दिख रहा है यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होने वाला है तो हम लोग उसको लो टाइम पर स्ट्रक्चर देख के फिर से एंट्री ले सकते हैं। तो इसलिए अभी ये इतनी बड़ी मूव मिस हो जाती थी अगर हम लोग वेट करते ऊपर आने का। अभी हम लोग ये देखते हैं कि ऑटो ब्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं, हर ऐसा नहीं कि हर टाइम नीचे आ रहा है तो बाय करेंगे, ऊपर जा रहा है तो सेल करेंगे। तो हम लोग इसको एज अ कॉन्फ्लुएंस कि हमको क्या करना है, रिजेक्शन ट्रेड करना है, मतलब कि रिएक्शन ट्रेड करना है, हमको प्रिडिक्ट नहीं करना कि ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है यहाँ से नीचे जाने वाला है, हमको करना और हम लोग ड्रॉ करके रखने हैं, जिसके हम लोग ये क्या है ऊपर जा रहा है नीचे आया, हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो, हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट किया, अगेन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, उसके बाद ऊपर कुछ हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ सीधा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ से सीधा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो हम लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ सीधा रिजेक्शन हुआ, ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या जो लास्ट मूव है हमारी, वो उसका रेड कैंडल बाइंग साइड में, ठीक है, ये लास्ट कैंडल है। तो ये जो ये छोटी भी एक कैंडल भी रिएक्शन दी ना, तो हमारा दिन का 7-8% निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको इंट्राडे में सिर्फ इसको रिजेक्शन ट्रेड करना है, अगर स्विंग करे तो हमको ओरिजिन जो ऑटो ब्लॉक है, मतलब कि ये जो ओरिजिन है उसको वहाँ से बाय करना है। पर अगर हम लोग सिर्फ इंट्राडे कर रहे हैं तो हमको ये ऑटो ब्लॉक समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से हमने ऊपर की तरफ रिएक्शन ट्रेड किया, नीचे आया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये जो रिजेक्शन है यहाँ से, ये फिर से ऊपर की तरफ इसको ट्रेड किया ये ऑटो ब्लॉक का, और अभी ये ऑटो ब्लॉक हमको ये पता चला कि देखो ठीक से देखो ये क्या है, लोअर लो, सॉरी हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मतलब हमको पता है कि अभी ये नीचे ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है
ये वाला लो, मतलब कि लोअर लो, तो मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर, सॉरी ऊपर की तरफ ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया, तो ये ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया, ये बाइंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे रिजेक्शन भी फिर से ऊपर की तरफ ट्रेड किया, अगेन ओरिजिन वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो ये ओरिजिन वाले से सीधे ये वाले जोन तक सेल किया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है ऊपर जाके, तो हम उसको नीचे की तरफ फिर से ट्रेड कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, इसको नीचे की तरफ फिर से ट्रेड किया। अभी देखो क्या हुआ, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है उसको ये वाला लॉक ने, तो ऐसा नहीं कि ये लास्ट कैंडल है, हमको क्या करना है, अगर ये लास्ट मूव है, लास्ट मूव मतलब कि ये नहीं, ये पूरी लास्ट मूव है क्योंकि इसमें दो ग्रीन कैंडल है, हमको इंटेंशन ढूंढना है कैंडल्स का कि ये क्यों गिरी, कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से ड्रॉ कर रहे तो इसका इंटेंशन क्या था, यहाँ से गिरा, तो हमने ये पूरा ड्रॉ जोन ड्रॉ किया, उससे क्या हुआ, ये फिर से नीचे आया, ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मतलब कि ये जो ओरिजिन है यहाँ से तो ये ऊपर जा रही है, पर यहाँ भी स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है यहाँ से भी, ठीक है, तो ये ऑर्डर बॉक्स हमने इसको फिर से नीचे की तरफ ट्रेड किया, पर हमको ये नहीं पता कि ये हमको क्या लग रहा है, ये ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, मतलब कि ये यहाँ से रिजेक्ट होके, ये रिजेक्शन हमने यहाँ तक ट्रेड किया, पर ये कितना नीचे जाएगा ये हमको नहीं पता, तो यहाँ से ट्रेड किया, ये ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग इसको फिर से ऊपर बाय करने वाले थे, पर क्या हुआ, ये नीचे आया, ठीक है, तो इसमें क्लियर स्ट्रक्चर एक भी नहीं है कि, तो यहाँ से आके नहीं, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फुलफिल नहीं हुआ था, देख सकते हो यहाँ पे ये जो जोन का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये फुलफिल नहीं हुआ था, अनमिटिगेट हुआ था, ठीक है, अगेन ये ऊपर गया, तो ऐसे हम लोग इसको हर मूव कैप्चर करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक से अगेन ऊपर, ये ऑर्डर ब्लॉक से अगेन ये मूव भी कैच की, यहाँ पे देखो ये क्या है, स्ट्रक्चर ब्रेक वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इसने लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसमें एक भी रेड कैंडल नहीं है, क्या है सब ग्रीन है, तो ये लास्ट ग्रीन कैंडल है, मार्केट आया यहाँ पे ऊपर से, हमने ये लास्ट ग्रीन कैंडल इसको रिएक्शन ट्रेड किया, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे आ रहा था, इसमें लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सी, ये वाली है, ये भी रिएक्शन ट्रेड किया ऊपर, लास्ट ग्रीन कैंडल ये रिएक्शन हमने यहाँ तक ट्रेड किया, अगर ये लास्ट ग्रीन रेड कैंडल है तो हमने इसको बाय किया होता था, पर हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिरा, तो लास्ट ग्रीन कैंडल रिएक्शन ट्रेड करना है सिर्फ, ये रिएक्शन, तो हम लोग सिर्फ रिएक्शन ट्रेड करें तो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो हम लोग ऑर्डर लॉक को रिएक्शन ट्रेड करके यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि बायस बनाना है कि यार अब ये तो नीचे आ रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, सिर्फ रिएक्शन ट्रेड करके लोअर टाइम फ्रेम पे 4 आवर के डिमांड जोन के 1 मिनट में जाके रिएक्शन ट्रेड करना है, बस इतना ही। और एक और एग्जांपल देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक वाला होगा, हाँ इसमें बीच में तो स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अगेन, ये ऑर्डर ब्लॉक जिसने ये वाला लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये रिएक्शन ट्रेड कर रहे हैं कितना पिप्स के देखते हैं, 77 पिप्स, 60 पिप्स, 50 पिप्स इनफ है, 40 पिप्स इनफ है, इनफ बहुत सारे हो गए हो, तो ये जोन से नीचे लेट गया 196 पिप्स, ये ऑर्डर ब्लॉक ये अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, तो ये आगे जाके फुलफिल होगा, ऐसे नहीं कि अभी होना है, इसको कंपलसरी है, ठीक है, अगेन
अगेन ये आउट ऑफ लॉक है। इसने क्या किया, हम लोग आपको अभी ठीक से समझते, इसको स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ये सीधा अगर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो लास्ट ग्रीन कैंडल, तो ये लास्ट ग्रीन कैंडल थोड़ा सा लिक्विड कैप्चर के नीचे गिरा। अगेन क्या हुआ, स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक हुआ, लास्ट ग्रीन कैंडल, लास्ट ग्रीन मूव, ग्रीन कैंडल नहीं, ये 4 आर पे इसलिए एक कैंडल दिख रही है, पर 1 आर पे जाओगे तो 3 4 कैंडल लगेगी, तो ये पूरे 3 4 कैंडल को भी मार्क कर लेना, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा और रिफाइन करके तो ये यहाँ पे रिफाइनों के ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या है, नीचे यहाँ से ये रिएक्शन नीचे की तरफ ट्रेड किया, अगेन यहाँ पे ऑर्डर लॉक है, तो ये ऑर्डर लॉक से ये रिएक्शन यहाँ तक ट्रेड किया, नीचे आया। ये क्या है, वीक लो, वीक लो, नीचे आया। ये जो हायर हाई इसको बनाना था, क्या हुआ, फेल हुआ, सब ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ नहीं, ये सस्टेन नहीं किया, सीधा नीचे आया, तो ये वीक लो यहाँ पे अगेन नीचे आया। तो हम लोग यहाँ पे अगेन ऑटो ब्लॉक ड्रॉ करेंगे, ये ऑटो ब्लॉक का जो रिएक्शन है वो भी हमने नीचे की तरफ ट्रेड किया, ठीक है। तो इससे सिर्फ रिएक्शन ट्रेड करना है, मतलब मैं तो रिएक्शन ट्रेड करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देखो ये क्या है, स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं, स्ट्रक्चर वाइज, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, हमको पता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अगेन नीचे आया और लॉक को टच कर गया, ऊपर गया, तो ऐसे बहुत बहुत बार कर सकते हैं, ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ये रिएक्शन ऊपरी तरफ खड़ी की, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये जाके आगे जाके यहाँ पे हिट हुआ है, ये बीच में कुछ भी बीच में नहीं हुआ। तो पर हम लोग क्या करेंगे, और एक फ्रेश स्ट्रक्चर होने की वेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे फ्रेश स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, अगेन हमने क्या किया, लास्ट ग्रीन कैंडल, उसको अगेन नीचे की तरफ इसको ट्रेड किया। तो मैं जब बोलता हूँ ट्रेड किया, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग ने डायरेक्टली ऐसे नीचे की तरफ सेल कर दिया, हम लोग उसको लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री लेते हैं। अगेन यहाँ पे ये ऑर्डर लॉक, अगर ये वीडियो देख के भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रिएक्शन देता है, पर ऐसा नहीं कि हर टाइम देना ही होता है इसको। तो ये क्या हुआ, नीचे यहाँ पे ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, उसको रिएक्शन ही नहीं गया, यहाँ पे फिर से नीचे, तो ऐसे हमको जोन ड्रॉ करना है, मतलब कि अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, अभी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक होते जा रहा है, हायर हाई फॉर्म होते जा रही है, हायर हाई फॉर्म होते जा रहे हैं, हायर हाई फॉर्म होते जा रहे हैं, हायर हाई,
हायर हाइज, हायर हाइज। अभी इसमें हम लोग क्या कर दें, देखते हैं क्या ये ऑटो लॉक है। क्या किया, डायरेक्टली बाय नहीं किया, सिर्फ बता रहा हूँ 1:4 है। लोअर टाइम पर जाके करेंगे तो 1:15, 16, 30% हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने वाला है। मतलब ये जो लोअर टाइम स्ट्रक्चर है, सॉरी ऊपर जा रहा था, ये भी लोक स्ट्रक्चर है, पर हमको ये पता है कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ये और ब्लॉक को फिल करने के लिए नीचे आया, टच करके ऊपर गया, ठीक है। पर कुछ भी हो, ये तो स्ट्रक्चर है ना, पर इसका क्या है, ये भी आउट ब्लॉक है। तो ये हमने क्या किया, इंटरडे के लिए हमने इसको नीचे की तरफ रिएक्शन ट्रेड किया, अगेन ये रिएक्शन टच करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये इस ये आउट ब्लॉक तो फुलफिल हो गया, अभी नेक्स्ट आउट ब्लॉक कौन सा, ये वाला है जो फुलफिल नहीं होता। तो ये कौन सा वाला आउट ब्लॉक है, ओरिजिन वाला नहीं है, ये मार्क जो स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। इसने क्या किया, इस दोनों के कैंडल में एक भी रेड कैंडल नहीं है, तो लास्ट कैंडल रेड कैंडल कौन सी, ये वाली है। तो हमने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ ट्रेड किया, टेक प्रॉफिट। तो ऐसे कंटिन्यू होते रहता है स्ट्रक्चर, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक, आगे नीचे आया, रिएक्शन ऊपर की तरफ ट्रेड किया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी रिएक्शन नीचे की तरफ ट्रेड की, अब ये तो हो गया जीबीपी यूएसडी में। अभी हम लोग इसको इंडियन मार्केट में देखते हैं, निफ्टी में देखते हैं। अब ये जो कैंडल बनती जा रही है, इसमें हम लोग ये ऑर्डर ब्लॉक लॉक किया, हर दो तीन लेड करने के बाद दो तीन कैंडल ऊपर जा रही है। और ये देखो, ये तो ये क्या है, ये बीच वाला ऑर्डर ब्लॉक है, पर ये क्या है, ओरिजिन ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब कि ऊपर गया नीचे आया ओरिजिन पे, ठीक है। और लोगों को लगता है कि मार्केट खराब है, ये इसका मैनिपुलेशन, मतलब कि अगर ये पास आ रहे तो इसको 100% टच करके ऊपर जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये सॉरी सॉरी, तो ये तो हो गया निफ्टी का, सॉरी ये तो हो गया फॉरेक्स का। अभी इसको हम लोग निफ्टी में कैसे यूज़ करते हैं, या इंडेक्स या स्टॉक्स में कैसे यूज़ करते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। तो स्टॉक्स तो बने वो होते हैं कि ऊपर जाने के लिए, इंडेक्स भी बने होते हैं ऊपर जाने के लिए, पर इसलिए हमारा जो बायस है वो 80% ऊपर की तरफ होना चाहिए। अभी तक क्या है, हायर आए, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये ओरिजिन वाला ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने वाला ऑर्डर ब्लॉक, पर इसको सीधा ब्रेक करके नीचे आया, ये हमारा ओरिजिन वाला ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ओरिजिन वाला ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे फुलफिल हुआ था, इसलिए स्ट्रक्चर ब्रेक करने वाला, स्ट्रक्चर ब्रेक करने वाला मतलब कि एक दो तीन चार पाँच छः कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है, पर लास्ट एक ही कैंडल है ग्रीन रेड। अभी ये जो फॉल आया, अभी हम लोग इसको ये फॉल को ठीक से देखते क्या हुआ था इस फॉल में। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ था, मतलब कि जिसने भी किया उनको पता होगा कि मार्केट कितने वाला है, तो ऐसे इतना डीप। पर ये और अगर चार्ट देखा होता पहले जिसने भी, उसको समझ आता था, अगर आपको मत पता होता कि क्या होने वाला है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था। ये क्या हुआ, ओरिजिन वाले ऑर्डर बुक पे था, रिटेस्ट देके ऊपर की तरफ गया, पर जब ये नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ये ओरिजिन वाला ऑर्डर बुक, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक जिसने किया, ये वाला ऑर्डर बुक है,
तो यहाँ से नीचे शॉट्स ले सकते थे, ठीक है, तो ये इतना बड़ा मुंह कैप्चर हो जाते थे, मतलब कि अभी के टाइम पे देखते क्या हो रहा है। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, उसके बाद ये कैंडल बाय बुरी तरफ, स्ट्रक्चर ब्रेक किया नीचे, इसको ये कैंडल इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड किया, तो मतलब इंडेक्स में करना भी बहुत सिंपल है, इतना भी ये नहीं है। टेक प्रॉफिट लो के नीचे बुक किया, ठीक है, और ये इतना सिंपल है। अभी तक मैंने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कंसेप्ट ये सब मैंने अभी तक बताया नहीं है, पर जिसको पता है अच्छा ही है, पर हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वो क्या होता है उसके। ब्रेक हुआ, ऊपर गया, ऊपर से फिर से नीचे गिरा, और ये कहाँ पे मिटिगेशन हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, और ये इंट्राडे में बहुत अच्छे से काम करता है। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आज के लिए बस इतना ही, 3 बज चुके हैं अभी रात के, तो आप फिर से जाके वीडियो देख सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर ऐसा अगर आप लोग वीडियो शेयर करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी पोस्ट करने की ट्राई करूँगा। कंटेंट सब में अगर पसंद आ रहा है तो जाके प्लीज़ शेयर करो।